So guys, आज हमारे पास एक ऐसा स्मार्टफोन आया है जो कि भाई बहुत ही मनपसंद कंपनी से, और ये है भाई Vivo की तरफ से हमारा Must T2 Pro। और ये जो फोन है भाई, ये जिस सेगमेंट के अंदर आ रहा है, इसके कुछ ऐसी चीजें डाल दी है Vivo ने जो कि आप लोग खुद सुनोगे तो बोलोगे भाई क्या बात है, मजा आ गया पूरा। तो ये फोन को भाई जल्दी से आज अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इस फोन के अंदर क्या आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही है। और अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे भर भर के, ताकि हम लोग भाई ऐसे आपके एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग लाते रहे भाई जैसे खुफिया तरीके से, समझ लो। जल्दी स्टार्ट करते हैं पहले अनबॉक्सिंग के साथ। तो जैसे कि आप देखते हो भाई, बॉक्स जो काफी ज्यादा खाते भी थे घर से आ रहा, मस्त एकदम मोटा है, तो उससे पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली सामान अंदर है काफी ज्यादा। और अगर लाइक नॉर्मली आप सामने देखो तो T2 Pro लिखा है Vivo के, हमें ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। हमारे को साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन जैसे कि हमारे को MediaTek Dimensity 7200 5G प्रोसेसर देखने मिलता है, और ये वाला प्रोसेसर हमने कुछ और फोन्स में भी देखा है, काफी अच्छा परफॉर्म करता है। 120 Hz की कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 64 MP का OIS कैमरा देखने मिल जाता है, स्मार्ट ऑरा लाइट है, मतलब ये सारी चीजें जो फीचर्स हैं इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग से, और सारी चेक करने वाले हैं। बट सबर नहीं होना, जल्दी से खोलते हैं। हां टटड़ा, तो भाई ये रहा हमारा ऊपर फोन, और अगर हम निकालते हैं इसको, ओह ये मस्त पन्नी का, ओह भाई ये कलर तो बहुत ही अलग लग रहा है। एक मिनट इसको निकालते हैं भाई, पहले चेक करने के लिए कि कलर कौन सा है। बेसिकली फोन में वैसे हमारे को दो कलर देखने मिलेंगे, ये वाला जो कलर है ये हमारे पास ड्यून गोल्ड है, एंड इसके अंदर थोड़ी सी गोल्ड टच वाली फिनिश है। वह चेक करते हैं पूरा निकाल के। ओके, ये तो कुछ ज्यादा ही बेहतरीन कलर लग रहा है। तो ये वाला जो कलर है ये है ड्यून गोल्ड, और साथ ही में इसके अंदर एक और कलर आएगा जो कि है मून ब्लैक, और वो नॉर्मल ब्लैक रहेगा। बट अगर आप लोग इस कलर को ध्यान से देखोगे तो आपको पीछे साइड में पैटर्न देखने को मिलेंगे जो कि ग्लिटरी ग्लिटरी फील दे रहे हैं, और डेफिनेटली भाई ये फोन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पीछे साइड में आपको भाई एक ग्लास बैग देखने को मिलती है जो कि एजी ग्लास है, तो आपको जो फील है भाई बहुत प्रीमियम आएगी। अब ये जो ग्लास बैक इसमें लगाई गई है ये भाई नॉर्मल ग्लास बैक नहीं, ये एक फ्लोराइट एजी ग्लास है जिसके अंदर की जो ये बैक है ना ये स्क्रैच रेजिस्टेंट हो जाती है, वेयर रेजिस्टेंट हो जाती है, और इसमें जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी बिल्कुल नहीं आते हैं। आप लोग देखते हो मैं फिंगरप्रिंट सारे लगा दूं तब भी कोई नहीं दिखेंगे अलग अलग डिफरेंट एंगल से भी, तो ये एक बहुत सही चीज है। ग्लास तो भाई तगड़ा है ही, और एक और प्रीमियम फील पता है किस लिए आती है, वो है भाई फोन कितना स्लिम है। तो ये हमारे को भाई बहुत ज्यादा स्लिम देखने मिलता है, अराउंड 7.36 एमएम की थिकनेस के साथ आता है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर स्लिमेस्ट बन जाता है। और साथ ही भाई सामने तो हमारी मस्त कर्व डिस्प्ले है ही। बट फोन के बारे में ज्यादा बताने से पहले बॉक्स में चेक करते हैं क्या मिलता है। हमारे को यहाँ पे एक टीवी कवर देखने मिल जाता है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है, एंड हमारे को यहाँ पे मिल रहा है भाई 66 वॉट का एक फास्ट चार्जर Vivo की तरफ से आने वाला, एंड साथ ही हमारे को यहाँ मिल रही है टाइप ए टू टाइप सी वाली मस्त केबल। तो बॉक्स की सामग्री आप लोग देख सकते हो काफी सारी है, तो ये मुझे अच्छा लगा। अब इस फोन की सबसे पहली चीज जो मैंने निकालते थे नोटिस करी थी वो थी भाई इसकी डिस्प्ले एंड ओवरऑल डिजाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यून गोल्ड कलर है तो डिफरेंट है, एंड सामने तरफ में आपको जो यहाँ पे भाई एक मस्त कर्व डिस्प्ले देखने मिलती है। अभी जो कर्व डिस्प्ले ये नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है, एक 6.78 इंच का पैनल है जो कि 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, एंड ये P3 कलर गैमे भी सपोर्ट करते हैं, मतलब आपको जो कलर है काफी ज्यादा रिच देखने को मिलेंगे। एंड अगर भाई डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो ये फोन भाई 4K HDR वीडियोस आराम से प्ले कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज प्रोसेसर भी काफी पावरफुल है। इसमें लगाया गया MediaTek Dimensity 7200 जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड 5G प्रोसेसर है, और ये बहुत ही तगड़े भाई एंड्रॉइड स्कोर्स भी दे रहा है। आगे चल के बताऊं बट अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो आप लोग देखते हो हमने यहां पे HDR वीडियो प्ले करी है भाई 4K के अंदर, इजीली प्ले हो रही है, एनीवन आप लोग देखते हो बहुत इजीली यहां पे स्क्रॉल भी हो रहा है, कोई भी लैग नहीं है जो कि काफी ज्यादा सही है। एंड अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो भाई क्या ही बढ़िया आ रही है, एक बार देखो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देने वाली है डिस्प्ले, कर्व वाली मस्त लग रही है डेफिनेटली। मतलब इन शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगा डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है, डिजाइन एंड डिस्प्ले वाइज में बोलूंगा फोन प्रीमियम तो पूरा पूरा भर के बनाया है Vivo ने। अब बात करते जो मैं आपको बता रहा था ना प्रोसेसर की, ये जो Dimensity 7200 प्रोसेसर लगाया गया है ये क्यों इतना तगड़ा है, उसका रीजन पता है क्यों, क्योंकि भाई हमने जो इसके ऊपर अलग अलग चीजें टेस्ट करी, जैसे कि Antutu का जो स्कोर है ये भाई 7 लाख से ऊपर का दे रहा है, वहीं पे Geekbench का स्कोर देखते हो तो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। इवन फोन CPU थ्रॉटलिंग के अंदर भी काफी ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है, जिप स्कोर भी आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे फोन की परफॉर्मेंस बोलूंगा बहुत ज्यादा बढ़िया है। CPU अकेला ही अच्छा होना नहीं होता, उसके साथ आपके रैम और बेसिकली स्टोरेज भी अच्छी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे UFS 2.2 की स्टोरेज लगाई गई है इस फोन के अंदर, जिससे कि आपकी ऐप ओपनिंग स्पीड काफी सही हो जाएगी, एंड साथ ही में इसमें जो रैम है वो 8GB की देखने मिलती है, साथ साथ आप 8GB तक एक्सटेंड कर सकते हो, और इसके अंदर ना एक्सटेंडेड रैम 3.0 हमारे को देखने मिलता है, जिससे कि आपको ज्यादा बेटर ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप लोग मल्टीटास्किंग करते हो। साथ ही में फोन के अंदर हमारे को भाई इधर जो है ना मस्त वेपर चैम्बर देखने मिलता है जो कि 3K लार्ज सुपर कंडक्टिंग लिक्विड कूलिंग वेपर चैम्बर लगाया गया है, जिससे कि आपका फोन ठंडा रहेगा। गेमिंग करना भी इस फोन के साथ बनता था, तो हमने गेमिंग भी इस फोन के ऊपर ट्राई करी। वैसे हमारा एक पूरा गेमिंग चैनल है जिसके ऊपर इस फोन का एक गेमिंग डेडिकेटेड रिव्यू हम लोग डालेंगे, आप लोग वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट अगर बताऊं तो परफॉर्मेंस अच्छी है इस फोन की, और साथ ही में इसमें आपको 4D गेम वाइब्रेशन देखने मिलती है, तो आपको जो इफेक्ट्स हैं काफी ज्यादा बेटर आएंगे, एंड आपको पता चलेगा कि आपका एनिमी कहां पे है तो आप इजीली उसको मार सकोगे। बाकी हमारे को फोन के साथ जो सॉफ्टवेयर मिला वो FunTouch OS है, आपको अगर फैमिलियर हो गए FunTouch से आपको पता है क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, और कुछ इस तरह देखने मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ एडिशनल एप्लीकेशन आप लोग जाकर रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस फोन में, डे टू डे टास्क के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड आप लोग इस फोन से इजीली गेमिंग भी कर पाओगे, तो मतलब ओवरऑल सही चीज है। अब बात करते हैं भाई मेजर चीज की, जो कि भाई Vivo जिस चीज के लिए हमारा जाना जाता है वो है इसके भाई तगड़े वाले ये कैमरास। तो यहाँ पे जो कैमरास है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगाया गया है, 64 MP का यहाँ पे OIS कैमरा देखने मिलता है जो कि भाई मस्त ऑरा लाइट के साथ आ रहा है। ऑरा लाइट जो है ये एक बहुत तगड़ी चीज है। और जो एक और कैमरा इसके साथ लगाया गया वो है 2 MP का बोके कैमरा। अब अगर बात करूं मेन कैमरा की तो यहाँ पे आपको सैंपल देखते हो, जो कलर्स है काफी अच्छे आ रहे हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, एंड ओवरऑल जो डिटेल होती है 64 MP कैमरा से वही हमारे को देखने मिल जाती है। ऑब्वियसली जो Vivo का एक कलर टोन है, कलर साइंस है, उसी तरीके से काम करेगी, स्क्रीन टोन से काफी ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, एंड ओवरऑल जो फोटोज है बहुत अच्छी आती है। साथ ही में जो ऑरा लाइट है इसका भी काम बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यार ये
ना फेस के ऊपर जो लाइट है काफी फिल कर देती है, तो ये नॉर्मल फ्लैश से बहुत बेटर ऑप्शन बन जाता है। और जैसे कि मैंने बताया इसमें OIS मिलता है, तो OIS काफी जगह पे आपकी हेल्प करते हैं, जैसे शेकी एनवायरमेंट हो गई, कहीं आप वीडियो बना रहे हो जहाँ पे भाई काफी हिल रहे हो, आपकी वीडियो स्टेबल करने की कोशिश करेगा। एंड ऊपर से अगर आप लोग लो लाइट के अंदर शॉट्स ले रहे हो, लो लाइट में होता है ना कि जो एक्सपोजर होता है ज्यादा लंबे समय तक के लिए मेंटेन करा जाता है, मतलब आपका जो शटर है लंबे समय तक के लिए खुलता है, जिससे कि आपका हल्का सा भी शेक आएगा, हल्का सा भी हिलेगा, तो उसमें फोटो ब्लर आ सकती है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं कि इसमें OIS देखने को मिल रहा है, तो उससे क्या है वो स्टेबलाइज रहेगा और आपकी जो शटर है वो आराम से कैप्चर कर पाएगा आपके मूवमेंट्स। सो कैमरास की हम जैसे बात करते हैं, यहाँ पे ना अलग अलग फीचर्स मिल, जैसे अगर आप लोग वीडियो में जाते हो तो आपको डुअल व्यू वीडियो देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर कि आप लोग ना इसकी जो फ्रेम है इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को अगर इस फ्रेम को हार्ट में बनाना है, ऐसे में प्यार प्रेम वाली बातें करने के साथ, तो हम लोग इसके थ्रू ऐसे कुछ कर सकते हैं। एंड अलग अलग सिनेरियोज आप सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्क्वायर में तो नॉर्मल रहता ही है। तो इस तरीके से आप लोग दोनों साइड से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अपना एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हो और सामने जो चीज दिखाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और फ्रंट में जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, उससे कुछ फोटो इस तरीके की आ जाती है। वीवो का जो है हमारे को सिग्नेचर टोन मिलते हैं कलर्स के अंदर, इस फोन से भी हमारे को वही देखने को मिली है। बाकी फीचर्स आपको पता है एड ऑन मिलते हैं, जैसे कि सुपर सेल्फी पोर्ट्रेट मिल जाता है, फ्रंट से आप लोग बहुत बेटर फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी स्किन काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बैकग्राउंड के अंदर ब्लर एक बहुत अच्छा आ जाएगा, तो आपको पसंद आएगी। अभी बेसिकली हमारी अनबॉक्सिंग है, तो ज्यादा हम लोग इनडेप्थ अभी नहीं जा रहे हैं, थोड़े टाइम बाद आप लोग चाहोगे तो हम लोग इनडेप्थ इसके ऊपर चले जाएंगे। बट अगर बात करें भाई लास्टली इस फोन की बैटरी, तो यहाँ पे हमारे को 4600 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जो कि 66 वाट के चार्जर से चार्ज हो जाती है। अभी जो बैटरी है आपको थोड़ी सी कम लग सकती है, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ओवरऑल फोन है काफी ज्यादा स्टेबल है, 4 नैनोमीटर बेस पे चिप आ रही है, आपको अच्छा एक वेपर चैंबर मिल रहा है, तो ओवरऑल फोन की जो एक आप कह सकते हो ओवरऑल जो बैटरी बैकअप रहेगा फोन का सही रहेगा। बट अगर आप चाहोगे तो मैं अच्छे से टेस्ट करके आपको रिव्यू के अंदर बता पाऊंगा इस चीज को ऑब्वियसली, तो उसके लिए आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने यार डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है, जो पहले 1000 बायर्स होंगे ना इस फोन के, उनको भाई और एडिशनल 1000 रुपए का ऑफ देखने को मिलेगा। तो बस यार ये था भाई हमारा वीवो की तरफ से आने वाला T2 Pro, आप लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।